ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ रमज़ान वेरी सीरियसली और उसको वैल्यूबल समझना। मैं तो सर लेक्चर में ये भी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, उसने या कोई इस्लामिक बैंक ले लेते हैं, ठीक है, उसने एक कुरंदाजी की और करोड़ों लोगों में से आपका नाम निकला और उन्होंने एक स्पेशल रिवॉर्ड रखा कि एक लकी कस्टमर हम साल में एक सिलेक्ट करेंगे जिसको हम जो अपना ट्रेजरी है उसकी ओपन एक्सेस दे देंगे फॉर वन मिनट एंड इट्स यू। और आप आते हो, इट्स ऑल मीडिया देयर, कैमराज, एंकर सब आए हुए हैं, लोग हज़ारों की तादाद में हैं कि वो एक मिनट में ये शख्स कितना पैसे इकट्ठे करेगा अपने लिए, और सामने गोल्ड भी है, कैश भी है, 1,000, 5,000 के नोट सब पड़े हुए हैं। एंड यू नो दे स्टार्ट, ओके आर यू गाइज रेडी फॉर द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द ईयर, और ये इनाम हमको देने जा रहे हैं, ओके 3, 2, 1 योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जस्ट इमेजिन वो शख्स अपना फ़ोन निकाले और किसी को कॉल मिला कि हाँ क्या हाल है यार, ठीक, मैं बैंक आया हुआ था, बस ज़रा चल बात करता हूँ उससे मैं, और फिर अपना इंस्टाग्राम खोले दो, स्क्रॉल करें और फिर जाए उससे ट्रेजरी में और 5,000 का जो नोट का एक पैकेट है वो जेब में डाल के और बाहर आ जाए। What would people think about this person? कोई बेवकूफ, तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी यार, तूने तू अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकता था, तू इतना माल इकट्ठा करता और उस मिनट के एक एक सेकेंड को यूज़ करता, तेरी सात नस्लें खाती है उसको, बट यू वेस्टेड इट। रमज़ान इज अबव दैट, कि एक एक सेकेंड इतना कीमती है, अगर हम इसको सीरियसली जाने कि हम ट्रेजर्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम अपनी सारी ज़िंदगी गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, और हम अपने, यानी सुभानअल्लाह, हम में से कौन शख्स है जिसको जिस दुआएं कबूल नहीं करवानी? रोज़ेदार की दुआ सिर्फ अफ्तारी के टाइम कबूल नहीं होती, जब से रोज़ा शुरू हुआ तब से लेके हम सहरी से पहले, बस वो या तो अपना स्क्रोलिंग चल रही है, सहरी का वेट रहा जी, अम्मा जी सहरी पका रही हैं, हम तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करते। क्वालिटी है लोगों की, वह बिल असहारी हम यस्तग़फिरून, के सारे टाइम सहरी टाइम पे तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। सो उलमा से कि टेक बेनिफिट ऑफ दैट टाइम, सहरी वाला जो टाइम है उसमें कसरत से इस्तग़फ़ार करो। सो अगेन आई थिंक वैल्यू, सो मेरा कहा भी मेरी एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि प्राइमरली मैं ये समझता हूँ कि उस बंदे को सबसे ज़्यादा रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा होता है जिसको बंदा मुहासबा नफ्स की जिसको आदत हो। असल में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि रमज़ान मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग भी है डेफिनेटली, लेकिन वो डिफ़िकल्टी इंसान को बिल्कुल नहीं फील होती जब इंसान को एहसास हो या निदामत हो या गिल्ट हो और वो वाकई रमज़ान को एज एन अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसके वेट कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। ये ऐसा ही है फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी का शिकार है, तो उसको अगर कुछ एक्सरसाइज़ करनी पड़ती हैं या कुछ मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, तो बाज़ात वो यानी इस टाइम ये परवाह नहीं करता कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, वहाँ पे जाके मेरे से ट्रीटमेंट होगा, मुझे कट्स लगेंगे, मुझे वो होगी, पेन होगी, उसके नज़दीक ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं क्योंकि एक बड़ा पर्पस उसके सामने वो होता है। इन द सेम मैनर अगर हम देखें कि मैं देखता हूँ कि जिस बंदे को जिसने गुनाह किए पूरे 11 महीने और वो बेचारा अब तरस रहा है कि इस्तिग़फ़ार के लिए कि अल्लाह मुझे किसी तरीके से, और वो मुहासबा, और ये कभी हो सकता है जब इंसान को एहसास हो, जब उसको एक रियलाइजेशन हो कि मैंने कुछ बुरा किया है। अगर वो बुराई की उसको एहसास नहीं है ना ब्रो, तो वो तो फिर वो उसके नज़दीक तो ये बोझ ही बोझ है। लेकिन जितना उसको एहसास गहरा होगा ना, जितना उसको गम ज़्यादा होगा, जितना वो उसके लिए, तो रमज़ान की मुश्किल से मुश्किल घड़ी उसके लिए आसान होगी। वो कहेगा ये तो मेरे लिए जन्नत आ गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। तो अलकई सुमंदार नफ्सहु वामिल अलीमा बादल मौत, तो समझदार और अक्लमंद आदमी वो कौन है जो मुहासबा नफ्स करता है और फिर उस मुहासबा नफ्स के बदले में मौत के बाद वाले जो आमाल है उसकी तैयारी पहले कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नज़र, तो मैं अपने भाइयों को भी आपसे शेयर करूँ, सर कहते हैं कि जो रजब है ना वो बीज बोने का महीना है, शाबान जो है ये पानी देने का महीना है, और रमजान काश्तकारी करने का, काटने का महीना है। व्हाट वी डू इज रमज़ान से एक दो दिन पहले सोचा यार रमज़ान आ रहा है क्या करना है, ग्रॉसरी भी उस दिन कर ली, अच्छा ईद की शॉपिंग भी रमज़ान के आखिरी अर्शे के लिए रख दी कि वहाँ उस टाइम कर लेंगे, पहले नहीं की रमज़ान से, हालांकि रमज़ान से पहले ईद की शॉपिंग कर लें, ठीक है, रमज़ान से 2 महीने पहले रमज़ान की तैयारी कर लें, रजब में रोज़े रखें, कुरान की तिलावत शुरू करें, शाबान में उसको और परफेक्ट करें और रमज़ान में उसकी एग्जीक्यूशन करें कमाल की। हम शुरू क्या करते हैं, और ये कल फर्स्ट रमज़ान है गाइस, अपना स्केड्यूल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, हम ऐसे इतने बजे उठेंगे, इतने बजे सोएंगे, एंड एवरी टाइम वी फेल एंड वी डोंट रियलाइज कि यार मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, बिकॉज हमने कभी प्लानिंग नहीं की थी, हमने उसे दिन शुरू करना चाहा। अच्छा इस पे ना तो एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, वो ये है कि हमने जैसे बात की ना कि रमज़ान मुबारक की आपने मिसालें दी कि गुनाहों के बख्शवाने का,
ये बात समझना, हमें हम सबको समझने की ज़रूरत है कि रमज़ान से बेनिफिट उठाना ये मुस्तहब नहीं है, मुबाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ इसलिए है, फ़र्ज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपको गुनाह मिलेगा। मुस्तहब ये होता है कि आप कर लो तो फ़ायदा है, ना करो तो कोई मसला नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे बिलीव कि रमज़ान से फ़ायदा उठाना बेसिकली मुस्तहब है, ये एक ऑप्शनल, एक वॉलंटरी एक्ट है। हदीस से कैसे साबित होता है कि ये फ़र्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि आपने 3 दफ़ा जो कहा था आमीन आमीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो उसमें से 3 चीज़ों में से एक चीज़ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके बददुआ दी, आपने फरमाया रगीमन फुमरीन अदरक रमज़ान फलम युग़फर ला, वो बंदा बर्बाद हो गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, और आपने कहा दखल फ़िन्नार, आपने एक हदीस में दखल फ़िन्नार के भी कहा कि वो जहन्नुम में दाखिल हो गया वो बंदा, कि अदरक रमज़ान फलम युग़फर ला, कि जी वो रमज़ान मुबारक उसकी ज़िंदगी में आया और उसे फ़ायदा नहीं उठाया। तो ऐसा बंदा जो है अल्लाह माफ़ करे, ये मतलब इससे पता चला कि ये ऑप्शनल नहीं है, यानी रमज़ान आ रहा है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आपने उसे फ़ायदा उठाना है, वरना बर्बाद और तबाह है। तीन तरह के लोग होते हैं रमज़ान में, मैं समझता हूँ कि एक लोग, वो लोग जो दाखिल होते हैं रमज़ान में वो इस लेवल पे थे, एंड व्हेन दे लीव एट अ वर्स्ट लेवल, दे लीव रमज़ान और बदतरीन हो के। कुछ लोग होते हैं जो आए तो इससे और इसी में चले गए, हाँ। कोई बेनिफिट नहीं लिया, और कुछ लोग आते हैं यहाँ पे और पता नहीं अल्लाह की जन्नतें पाके चले जाते हैं। पहले वो लोग हैं जिन्होंने रोज़े भी छोड़ दिए या फ़राइज छोड़ दिए, या रोज़ा तो रखा और जोहर असर नमाज नहीं चली, या रोज़े का हक अदा नहीं किया, हक अदा नहीं किया, गालम गलोच की, ठीक है, और गीबतें चुगली की रोज़े की हालत में, ठीक है, तो लैस लहू इल्ला जुअ, इसके लिए कुछ भी नहीं, भूख है। दूसरा वो शख्स था जो कि गुनाहों में भी पड़ा रहा और नेकियां भी करता रहा, उसका बैलेंस उसने स्ट्राइक किया। तीसरा वो शख्स वाकई में बेनिफिट उठाया। तो मैं और आप देखें कि हम किन लोगों में से हैं। आपको पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी कल्चर पता है, कज़न्स इकट्ठे होते हैं कि रमज़ान इकट्ठे गुजारेंगे, रात को क्रिकेट खेलेंगे और सुबह सहरी करके फजर पढ़ के सो जाएंगे और फिर उठेंगे असर की नमाज तक। सो क्रिकेट टूर्नामेंट्स, मुझे याद है अपने दौर जाहिलियत में हम लोग सीजन जो हमने देखने होते थे ना, वो हम रमज़ान के लिए प्लान करते थे कि अच्छा टाइम गुजर जाएगा रमज़ान में, वैसे भी रोज़ा होगा तो भूख लगी थी तो पास टाइम पास तो करना है, तो पूरे पूरे सीजन एपिसोड्स यानी बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स रमज़ान के लिए रखा होता था। बट मेरी ज़िंदगी में जो चेंज भी लेके आया ना शेख, रमज़ान लेके आया था, मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिटरली 10-15 दिन बाद इट वॉज रमज़ान, और मैं बड़ा एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से गुजर रहा था कि मैं मर जाता तो, मैं मर जाता तो, और शेख वो जो रमज़ान आया ना, मैं तरावी पढ़ने गया और उसमें मैंने कुरान को पढ़ा। अगर रमज़ान मेरे एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ना आता ना, तो प्रॉब्ली शायद मैं आज इस जगह पे ना होता। अल्लाह का प्लान ऐसा था कि रमज़ान आया और उसमें मैंने कुरान से अपने आप को जोड़ा, कुरान को पढ़ना शुरू किया तर्जुमे के साथ, और फिर इबादत और लेक्चर सुनना शुरू किया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि यार उस महीने ने शेख चेंज किया। सो जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है ना, वल्लाहि लज़ीम कितने लोग हम जानते हैं जो लास्ट रमज़ान ज़िंदा थे, मैं अपनी उंगली पर गिन सकता हूँ, वो इस रमज़ान अभी तक ज़िंदा नहीं है। और एक खातून तो शेख पिछले रमज़ान में, रमज़ान अगले दिन था, उससे पहले उनकी वफ़ात हुई, एक दिन पहले मगरब से कुछ टाइम पहले उनकी वफ़ात हो गई थी, शी नेवर गॉट रमज़ान। और तलहा बिन उबैदुल्लाह ने जो ख्वाब देखा ना, कि दो सहाबी थे, एक बड़ा एफर्ट करते थे, एक बस ठीक थे, बट जो ठीक थे उनकी एक साल बाद डेथ हुई, और जो एफर्ट थे उनकी शहादत हुई, एक साल का उनको मौका, जो एक साल का मौका मिला। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने देखा ख्वाब में कि वो पहले जा रहे हैं, जो आम वफ़ात फौत हुए हैं, जो शहीद हैं वो बाद में जा रहे हैं, कन्फ्यूज़ होकर लगे कि पास रसूलल्लाह क्या चक्कर है। उन्होंने कहा तुमने रमज़ान काउंट नहीं किया, यानी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह में एक और कॉल मैंने दे रहा है।